सो या गाइस वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल सनी कैप्चर। तो गाइस अगर आप लोग अपने आईफोन में स्टैंड बाय मोड को यूज करते हैं तो आपको बता दूं आप लोग यहां पे अपने कस्टम फोटोज को भी लगा सकते हैं जो कि देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगती है। तो आज की इस वीडियो में लोग देखने वाले और जानने वाले हैं कैसे आप लोग इसे कर सकते हैं। तो गाइस मेक श्योर कर लेना अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना। तो चलते हैं गाइस वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको स्टैंड बाय मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इस पर टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टैंड बाय के सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आपको इन फोर टॉगल्स को ऑन कर लेना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको बैक चले जाना है और जिस भी फोटो को आपको यहाँ पे अपने स्टैंड बाय मोड पे यूज करना है उसमें आपको आ जाना है। जैसे फोटोज में अगर मेरे को कोई भी फोटो चाहिए, लाइक मेरे को अगर अपनी एक फोटो चाहिए, लाइक मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी फोटो, लाइक यहाँ पे आपको इस फोटो को अगर ऐड करना है स्टैंड बाय मोड पे तो यहाँ पे आपको एडिट के आइकन पे टैप करना है। एडिट के आइकन पे टैप करने के बाद आपको क्रॉप के ऑप्शन में आ जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाना है अपने और इस साइज में आ जाना है। साइज में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको सर यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी फोटो को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पे आपको शेयर आइकन पे टैप करना है। शेयर आइकन पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड टू एल्बम का ऑप्शन देखने के मिलता है, आपको इस पे टैप कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू एल्बम पे टैप करना है और उस एल्बम को नेम दे देना है, लाइक मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव आइकन पे टैप कर देना है, उसके बाद बैक चले जाना है और यहाँ पे आपने आप फोन को स्टैंड बाय मोड पे चार्जिंग पे लगाना है। तो यहाँ पे आपको स्टैंड बाय मोड पे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने फेस आईडी को रिकॉग्नाइज करने लेना है, मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लस आइकन पे टैप कर देना है, आपको प्लस आइकन देखने के मिलता है। प्लस आइकन पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको अपने फोटोज को यहाँ पे आपको फोटो देख लेना है, यहाँ पे फोटोज में आ जाना है, यहाँ पे आपको फोटोज देखने हैं, इस पर आपको टैप कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको विजिट्स देखने के मिलते हैं, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको न्यू विजिट को ऐड करना है, लाइक ऐड विजिट पे टैप कर देना है और फिर नो फोटोज अवेलेबल पे आपको टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एल्बम फेवरेट्स का ऑप्शन देखने के मिलता है, आपको उस पर टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने अपने फाइल को नेम दिया था वो आपको सर्च कर लेना है, लाइक मैंने स्टैंड रखा था तो यहाँ पे मैं स्टैंड सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम स्टैंड में आ जाएंगे और यहाँ से हमारी एल्बम हो चुकी है ऐड। उसके बाद यहाँ पे आपको बैक चले जाना है, स्क्रीन पे टैप कर देना है और यहाँ से हमारी फोटो हो चुकी है ऐड। तो यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपकी पर्सनल फोटो ऐड हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने आईफोन में किसी भी फोटो को एज अ स्टैंड बाय मोड यूज कर सकते हैं जो कि देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या फिर हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट्स कर देना अगर आपको आईफोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। तो गाइस मैं मिलता हूं तुम्हें एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए।